इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र की मांगलिया चौकी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पूर्व कांग्रेस नेता के घर पर चल रहे अवैध जुए के अड्डे पर दबिश दी और मौके से 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जुआरियों के पास से हजारों रुपए भी जब्त किए गए। हाँ, श्रीमान आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, श्रीमान एसपी महोदय पश्चिम क्षेत्र एडिशनल साहब मऊ के द्वारा मुखबिर की सूचना पर निर्देशित किया गया था। उनके मार्गदर्शन में रामजी शर्मा मांगलिया का रहने वाला है, इसके घर पर श्रीमान एडिशनल साहब की टीम और चौकी की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 16 व्यक्ति तथा एक महिला जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जिनके पास से 45,100 रुपये जब्त किए गए और ताश की गड्डियां बरामद की गई, जिनका जुए का केस पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। सर, मुख्य से कांग्रेस नेता बात की है, आप ये पार्टी का तो नहीं बता रहे हैं, क्लियर नहीं है जिससे भी जुड़ा है, लेकिन हाँ, ये रामजी शर्मा नाम है जो फरार है, इसके साथ 3 और अन्य लोग फरार है, टोटल 4 लोग जिनकी तलाश जारी है। हाँ, इसकी घरवाली भी मिली जिसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, इनके पास क्या क्या है? इनके पास से 8 ताश की गड्डी, 45,100 रुपये जब्त किए गए। सर, इनके क्या बैकग्राउंड? ये अलग अलग व्यवसाय से हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ लोकल है, कुछ बाहर के भी लोग हैं, और ये यहाँ आए हुए थे जिनको मुखबिर की सूचना पर टीम के द्वारा दबिश देकर पकड़ा गया। प्रतिभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।